आप देख रहे हैं KDS न्यूज, बेहतरीन खबर। अरे गौशाला में बिन चारा के बछवा गाय हलाक भई, गौशाला में बिन चारा के बछवा गाय हलाक भई, मॉब लिंचिंग के शिकार नोएडा में अखलाक भई, काबा यूपी में काबा। नमस्कार दोस्तों, मैं देव श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल KDS न्यूज में। जैसा कि बताता हूँ कि कुछ ना कुछ जो नया होता मैं आप तक जरूर लेके आता हूँ, तो इस बार जो नया है, जो आप जानते हैं चुनावी माहौल है, 2022 विधानसभा आम चुनाव उत्तर प्रदेश में बेहद खास होने वाले हैं। सारी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं और सभी प्रत्याशी भी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। कोई भी पार्टी या उसका मुखिया या उस जो मुख्यमंत्री के दावेदार है वो इस तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता कि उसका कहीं पर कोई नुकसान हो। ऐसे में सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उसी बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने समर्थकों या अपने नेता के समर्थन में तमाम तरह के बयान कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो लोकगीत के माध्यम से जनता तक अपने नेता की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए समर्थन मांग रहे हैं। ऐसी एक लोक गायक हैं नेहा सिंह राठौर, जिनका एक गाना है जो लोकगीत काफ़ी फेमस है, यूपी में काबा। पहले हम आपको सुनवाते हैं, फिर आपको मिलवाते हैं, उसके बारे में हम और बात करेंगे। पहले सुनवाते हैं कि तीसरा पार्ट जो है वो क्या है। अरे गौशाला में बिन चारा के बछवा गाय हलाक भई, गौशाला में बिन चारा के बछवा गाय हलाक भई, मॉब लिंचिंग के शिकार नोएडा में अखलाक भई, काबा यूपी में काबा। अरे घर के गेहूं चाउर बिक गई लइकन के पढ़ाई में, गहना गुड़िया रेहन धैनी अम्मा के दवाई में, थूकल सतुआ साना तानी है कना महंगाई में, काबा यूपी में काबा। तिल पहरू ना दुआर बा सड़क पे बेरोजगार बा, प्रयागराज के लइकन के फ्यूचर अन्हार बा, भर्ती निकालत नहीं यूपी सरकार बा, काबा यूपी में काबा। और प्रशासन के खेल बान तवन के संगे मेल बा, नौकरी चकरी मंगला पे नवहन के भेजत जेल बा, काबा यूपी में काबा। आयोग पे हमरा डाउट बा, एग्जाम के पर्चा आउट बा, आयोग पे हमरा डाउट बा, एग्जाम के पर्चा आउट बा। अरे बाबा आर्मी के भर्ती कहिया ले आई हो, लइका लोग करत साउट बा, काबा यूपी में काबा। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। दोस्तों सुना यूपी में काबा का तीसरा पार्ट था। ये राजनीति बहुत ज़बरदस्त चल रही है, 2022 का आम चुनाव। हम आपसे सभी से अपील करते हैं कि अपना मतदान अवश्य करें, अपने बूथ पर जाके मतदान अवश्य करें। मतदान आपका अधिकार है, उसका उपयोग करें। अगली बार किसी नई खबर के साथ फिर आपसे मैं रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।